दोस्तों आज आपको मैं अमेरिकन मूवी सेंसलेस को दिखाने वाला हूँ। एक मेडिसिन से कैसे सुपर पावर आ जाता है उसके ऊपर ही यह है स्टोरी, जो कि बहुत मजेदार है। सबसे अच्छा लगेगा आपको एंडिंग। दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डैरिल विदरस्पून को, और वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, और साथ ही में उसका काम रहता है कि जो कोई भी स्टूडेंट आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विजिट करने, डैरिल को उसी स्टूडेंट ग्रुप को पूरा यूनिवर्सिटी घूम के दिखाना होता है, और एक स्टूडेंट ग्रुप खत्म होने के बाद दूसरा स्टूडेंट ग्रुप उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जब घर वापस जाता है तब उसकी मम्मी उनको फोन करते हैं, फोन पे बताते हैं कि तुम जो जॉब ढूंढ रहे थे उसका क्या हुआ। तो डैरिल ने बताया कि बहुत कंपटीशन था जॉब में, लेकिन मैं टॉप पे हूँ। डैरिल की माँ अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन डैरिल कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस देने के लिए फोन आता है, तभी डैरिल कहते हैं कि डैरिल तो मर गया है, और ये मॉक करते हैं दूसरे आवाज में उसके साथ। इसके बाद अगले दिन वे नया नया जॉब ढूंढने के लिए जाता है, ब्लड डोनेट करता है, लेकिन इतना ब्लड देने से डैरिल बेहोश हो जाता है, और उसके बाद स्पर्म डोनेशन सेंटर में जाता है, वहां पर भी अपना पूरा एनर्जी खो देते हैं। उसके बाद जाते हैं अफ्रीकन हेयर ब्रीडिंग सैलून पे, और वहां जाकर अपना बाल डोनेट करना चाहते हैं। हाथ से पैसे भी मिलता है, लेकिन जो ओनर है उसको भगा देता है वहां से, क्योंकि उसका बाल ही तो ज्यादा नहीं था। रात का सीन दिखाया जाता है, डैरिल के रूममेट टिम लफ्लोर आते हैं और कहते हैं कि हाउस ओनर हमसे पैसा मांग रहा है, मतलब किराया मांग रहा है। साथ में वे दिखाते हैं कि मैं अपने सारे खुशियां छोड़ रहा हूं, जैसे कि शराब पीना, मांस खाना या फिर सेक्स करना, और यह सुनकर डैरिल हंसने लगता है क्योंकि ये छोड़ने की क्या जरूरत था। अगले दिन कॉलेज के कैफेटेरिया को दिखाया जाता है, और वहां पर डैरिल और एक जॉब करता है, और उसके क्लासमेट आता है स्कॉट, जो कि डैरिल को नीचा दिखाने के साथ साथ कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये जॉब परफेक्ट है। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेनिस, और देखने में लगता है कि डैरिल उसे पसंद करते हैं। अगले दिन कॉलेज में इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हुए प्रोफेसर एंगल को दिखाया जाता है, और साथ में आए थे रैंडल टाइसन, जो कि आए थे स्माइथ बेट्स कॉर्पोरेशन से, और वे एक जॉब ऑफर करने वाले थे जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया था, जैसे कि सर्टेन मार्क्स चाहिए, सोशल गैदरिंग वाला कोई बंदा चाहिए, एथलेटिक्स में अच्छा होना चाहिए, और कंपनी के साथ जो अच्छा ताल्लुकात रखेंगे। तो स्कॉट और डैरिल दोनों ही इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्लास में कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि हम 5 फाइनलिस्ट डिक्लेयर करेंगे और उनमें ही फाइनल कॉम्पिटिशन किया जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डैरिल कॉलेज के आइस हॉकी कोच को रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उसको टीम में लिया जाए, और इसी कारण उसे जॉब भी मिल जाएगा। और डैरिल बंदा एक ऐसा है कि वह कभी आइस हॉकी खेले ही नहीं थे, और उसका जो रूममेट था वो कॉलेज हॉकी टीम का कैप्टन था। डैरिल जाकर उनको सब बात बताता है, तब वह मान जाता है। तो उसके बाद टेस्टिंग के लिए डैरिल को गोलकीपर बनाया जाता है, और सभी लोग गोल पे बॉल मारते हैं, लेकिन डैरिल एक भी बॉल बचा नहीं पाता। अगले दिन डैरिल और टीम की बातचीत हो रहा था कॉलेज के गार्डन एरिया में, जहाँ पर डैरिल कूड़ा इकट्ठा कर रहा था, और वहाँ पर ही वो एक पर्ची देखता है कि एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ। एक एड्रेस दिया हुआ रहता है और टाइम भी दिया हुआ रहता है। तो सेमिनार अटेंड करते हैं, और सेमिनार में एक वुमेन बताते हैं कि आप लोगों को एक ड्रग इंजेक्ट किया जाएगा जो कि आपकी 5 तंत्र यानी 5 सेंसेस है उसको बूस्ट कर देगा, और इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और सब लोग साइड इफेक्ट की बात सुन के वहां से चले जाते हैं, लेकिन डैरिल जो है वो सो रहा था। तब वो महिला उनसे पूछते हैं आप ये काम करेंगे, और डैरिल जो कि उनके कोई बात सुनने नहीं थे सो रहा था, तो वो कह देते हाँ मैं करूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर थॉमस विडोन को, जो कि ये एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, और वहाँ पर डैरिल की पूरी जांच होता है, मतलब फिजिकल जांच। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने बट में हमारे दिया हुआ प्रिस्क्राइब किया हुआ ड्रग की 6 cc लेना होगा, और पहले दिन तुम्हें थोड़ा नम फील हो सकता है, मतलब डाउन फील कर सकते हो। और अगले रात में दिखाया जाता है डैरिल एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर जेनिस के साथ भी मुलाकात होता है, और वहाँ पर स्कॉट के साथ भी मुलाकात होता है, और स्कॉट वहाँ पर डैरिल की भरपूर खिंचाई करता है, और डैरिल किसी को बिना बताए वहाँ से चला जाता है, और घर में जाकर वो जो ड्रग दिया गया था उसका एक डोज ले लेता है। अगला दिन कॉलेज में एग्जाम रहता है, लेकिन वे जो ड्रग लिया था उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है, उसे नमनेस आता है, उसे कानों में एक अलग सा ही आवाज आता है जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि जो पेंसिल से वे फिलअप कर रहा था अपना आंसर शीट, उसका जो आवाज है उसका आवाज उनके कान में माइक की तरह गूंज रहा था। पास में एक बंदा डायमंड का नेकलेस पड़ा हुआ था, वहां पर जो लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा था वो भी बहुत बॉदर कर रहा था, मतलब छोटे छोटे चीज के लिए बराबर इफेक्ट हो रहा था डैरिल के अंदर। तो ये ना सहते हुए वो चिल्लाकर उठ जाता है अपने टेबल से, और एग्जाम के बाद डॉक्टर के पास चला जाता है और कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो डॉक्टर कहता है ये नॉर्मल सी बात है, ये होगा,
तुम एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारा जो सेंस है उसे कंट्रोल में ला सको। वो घर में जाकर अपना जो ऑर्गन है उसको ब्लॉक कर देता है, मतलब काला चश्मा पहन लेता है, आंखों को ब्लॉक, ईयर पंप से ईयर को ब्लॉक, जुबा को कागज दे के ब्लॉक, वह सब ब्लॉक करके बैठ जाता है। टीम आकर चौंक जाता है उसकी ये हालत देखकर। टीम जब घर से वापस जाता है तब डेरिल सब कुछ खोल देता है और खोलने के बाद वो दिखता है कि वे कंट्रोल कर पा रहा है अपने सभी सेंस को, मतलब माइक्रोस्कोपिक विजन आ गया था उसके पास और वो दूर दूर की बातें तक भी सुन पा रहा था इजीली। नेक्स्ट सीन में यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था, वहाँ पर किचन स्टाफ बनाया गया था डेरिल को। वे तो फाइनल में सिलेक्ट नहीं हुआ था, वहाँ पर जो 5 फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए थे उनके लिए डिनर अरेंज किया गया था, लेकिन उसका जो 5 सेंस है वो तो बढ़ गया था और इसी के चक्कर में उसी कंपनी की जो रिप्रेजेंटेटिव था उनको पटा लिया और उसने कहा कि अभी 5 की जगह 6 फाइनलिस्ट होगा, जो कि डेरिल एंट्री हो गया। और उसके बाद वही पार्टी वाला केजी हाउस जो होता है, जहाँ से स्कॉट उसे बाहर धकेल के फेंका था, वहाँ पर जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम हमारे नए खोजी हो। और वहाँ पर डेरिल देखते हैं जेनेस अपने दोस्त के साथ वॉशरूम में जाते हैं और वॉशरूम के बाहर से डेरिल जेनेस के बात सुनते हैं कि उसे स्मार्ट और ह्यूमरस बंदा पसंद है। जेनेस जब बाहर आती है तब डेरिल उनके परफॉर्म की सराहना करते हैं, जिससे कि जेनेस खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। और उनपे छोड़ने के समय कहते हैं कि एक दिन वे लोग कॉफी डेट में जाएंगे। और वापस रात में देखते हैं टीम उनका रूममेट की डेरिल एक दवाई लेता है और वो सोचते हैं कि डेरिल ड्रग एडिक्ट हो जाता है। और अगले दिन आइस हॉकी का जो रिंग था वहाँ पर कोच को इम्प्रेस करता है अपने जलवा से, क्योंकि उसके पास तो सेंस आ गया था तो कोच हो गया था इम्प्रेस और कहा कि वापस से तुम गोलकीपर बन जाओ। और अभी सब लोग मिलकर जब बॉल मारा था, मतलब आइस हॉकी का जो खेल रहा था उसके ऊपर, एक भी गोल नहीं होने दिया था डेरिल को, जिससे कि सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इंटर हॉकी आइस स्केटिंग टूर्नामेंट हो रहा है और वहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कभी जीत ही नहीं पाए थे, लेकिन इस बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओपोनेंट डेरिल को गोल ही नहीं दे पा रहा था एक भी, और उधर स्टैनफोर्ड से फॉरवर्ड लोग गोल कर रहे थे, तो इसे वे लोग मैच जीत जाता है। सब लोग बहुत खुश होता है, खास करके डेरिल को सब लोग सराहना करने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेरिल स्माइट बेस ऑफिस में जाते हैं इंटरव्यू के लिए और अपने कान से सुनते हैं कि स्कॉट जो पहला इंटरव्यूअर था वो कुछ क्वेश्चन मिस करते हैं। स्कॉट को बाहर आने के बाद वो चौंकाने के साथ साथ कहते हैं कि तुम्हारा ये क्वेश्चन मिस हुआ, ये होना चाहिए था, इससे वो चौंक जाता है। और जब अंदर जाते हैं इंटरव्यूअर के सामने तो डेरिल अपना जलवा दिखाना शुरू करता है और वहाँ पर बोर्ड मेंबर कहते हैं कि कुछ दिन बाद इसका घोषणा किया जाएगा कि किसे जॉब मिलता है। और दिखाया जाता है और एक बोर्ड मेंबर का जिसका नाम होता है बॉब, और एक मैच की टिकट देता है ताकि वे लोग बाहर जाकर कुछ टाइम बिता सके और सही कैंडिडेट को चूज किया जा सके। उसी रात में दिखाया जाता है जेनेस डेरिल के घर पे आते हैं, डिनर एंजॉय करते हैं और अपने सेंस से जेनेस को इम्प्रेस कर देते हैं, जहाँ पर उनके रूम में टीम पास में बैठा हुआ टीवी देख रहा था और तभी वे दोनों किस करने लगा, लेकिन यहाँ पर डेरिल की जल्दी हो जाता है तो इससे जेनेस तो बहुत नाखुश होता है। और अगले दिन जेनेस को अपने घर ले जाते हैं, उन्हें मम्मी से मिलाते हैं, अपने मम्मी को कुछ पैसे भी देके आते हैं। रात में डेरिल जब रूम में वापस जाता है तब वही मेडिसिन वापस से अपने बट में लगा रहा था। टीम तभी देख लेता है और कहते हैं तुम मेडिसिन से एडिक्टेड हो गए हो, कहता है कि ये ड्रग नहीं है, ये नॉर्मल मेडिसिन है, इससे मुझे ये फायदा मिल रहा है, लेकिन टीम विश्वास नहीं करता है। तो डेरिल कहता है देखो मैं और एक लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, मुझे ये ड्रग नहीं है। तो उन्हें ले लिया उस दिन डबल डोज और अगले दिन सुबह जब उठ रहा था उसको बहुत नम फील हो रहा था, फील होना ही था, ओवरडोज हो गया था, वो अपने बैलेंस खो रहा था, ठीक ठाक से चल नहीं पा रहा था। और तभी वे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इसे ठीक होने में 3 दिन मिनिमम लगेगा, तुम 3 दिन बेड रेस्ट लो। लेकिन डेरिल तो नहीं ले सकता है क्योंकि उसके पास जॉब के लिए काम है, अपने कॉलेज में काम है। तभी डेरिल का विजन हिलने लगा और डॉक्टर ने कहा कि अभी ओवरडोज के कारण सिर्फ 4 ही सेंस तुम्हारा एक साथ काम करेगा और बाकी का एक सेंस रोटेशन बेसिस पे चलता रहेगा, कभी एक्टिव होगा कभी डीएक्टिवेटेड रहेगा। तब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन दिखाया जाता है नेक्स्ट गेम में, जहाँ पर बॉब के साथ जाना था वो टिकट जो दिया गया था डेरिल को। तभी क्या होता है, डेरिल वहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है, सबसे पहले अपना सुनने की क्षमता खो देता है क्योंकि एक सेंस हमेशा रोटेशन बेसिस पे डीएक्टिवेटेड रहेगा। और तब जब लोग खड़े हो जाते हैं वो सोचता है कि नेशनल एंथम होता है, तो वो कहते हैं ये नहीं हो रहा है, तुम बैठ जाओ वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर वो बेवकूफ लगने लगता है। उसके बाद जब वो ड्रिंक ले आता है तब उसका आंखों का सेंस चला जाता है और जाकर दूसरे सीट में बैठ जाता है। उसके बाद आंख जब खुलता है तब डेरिल देखता है बास्केटबॉल प्लेयर बहुत गुस्सा है उसके ऊपर, उसे फेंक देता है कोर्ट में। डेरिल का ये दिन तो बहुत ही खराब था, फिर भी टाइसन डेरिल को कहते हैं कि हम तुम्हें जॉब दे सकते हैं। तभी दिखा देता है जेंस की जो कि डेरिल के रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर वे फ्लर्ट करने लगती है डेरिल के साथ और डेरिल को तो यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तब जब नॉर्मल हो जाता है डेरिल तब वे दोनों इंटीमेट होना शुरू करते हैं और तभी उसका विजन धीरे धीरे कम होने लगता है। और उसके बाद जब और भी आगे का काम शुरू होगा तब देखते हैं कि उनका जो टंग है मतलब जुबान लड़खड़ाने लगता है। ये देख के जेनेस के बहन वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर डेरिल अंडरवेयर में
फ्लोर में पड़ा हुआ रहता है और जेनिस तभी रूम में एंटर कर लेते हैं और उसकी ये हालत देखकर वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तभी टीम अपने दोस्त को ले आते हैं ताकि डेरल की ये हालत को ठीक ठाक किया जाए। और तभी वो लोग जब भी इंजेक्शन देने वाले थे पेन किलर वगैरह का, तभी डेरल उठ जाता है और उन लोगों को रोक देता है। और बाद में डेरल बताते हैं कि मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ, तुम एकदम बेफिक्र रहो। सभी सच्चाई बताने के बाद भी टीम उन पर बिलीव ही नहीं किया। तभी वो केजी हाउस में पार्टी करने के लिए गया। वापस स्कॉट एक ड्रिंक बना रहा था और ड्रिंक बनाने के बाद डेरल वो इजीली पी लिया क्योंकि उसके टेस्ट बट काम नहीं कर रहा था। सब लोग शॉक हो गया कि ये तीखा जिनिस वो कैसे पी लिया। तभी स्कॉट सब लोगों को उल्टा समझाते हैं और कहते हैं कि ये सबसे वीकेस्ट मेंबर है हमारे ग्रुप की। तब उनके पनिशमेंट के लिए डेरल की पिछवाड़े में हिट किया जाता है और यहाँ पर डेरल को तो कुछ फील ही नहीं होने वाला था। और अगला दिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की और एक आइस हॉकी टूर्नामेंट में मैच था। सब लोग सोच रहे कि डेरल इस बार भी जिता देगा, लेकिन इस बार हुआ उल्टा क्योंकि उनका जो सेंस ही जा रहा था, ठीक ठाक काम नहीं कर रहा था और वे लोग मैच हार गए। तब वो जाते हैं जेनिस के घर और जेनिस के घर जाते उसका विजन चला जाता है और तब उसके पापा जो कि टेलर था उस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव उसके सामने सब कुछ कह देता है। और बाद में जब आईसाइड आता है तब देखता है कि जेनिस दूर पे खड़ा है और उसके पिताजी यानी उसके फादर सामने खड़ा है। तब जेनिस उनको बाहर ले जाते हैं और समझाते हैं कि ऐसा मत करो। टेलर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जेनिस को वो बात खटक रहा था तो इसलिए वे घर पर चला जाता, दरवाजा बंद कर देते। तभी एक पब में जाते हैं डेरल और वहां पर टीम बैठा हुआ रहता है। उसको कहते हैं कि तुम मेरे फाइनल इंटरव्यू के लिए मुझे तैयार करो। तो टीम एग्री हो जाता है और वहां पर स्कॉट की डैड हाई प्रोफाइल एडवाइजर को हायर करता है ताकि स्कॉट फाइनल राउंड के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो पाए। यहाँ पर डेरल को स्टडी में ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसका कंडीशन बहुत खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो स्टडी कर रहा था। और यहाँ पर स्कॉट को तो हाई लेवल का स्टडी मिल रहा था। तब वो फाइनल इंटरव्यू के दिन आता है और तभी वो धुंधला दिखने लगता है। तभी एक भिखारी आता है और कहते हैं कि मुझे कुछ हेल्प कर दो। उसे साइड में ले जाते हैं और डेरल को ही पीट देता है और उसका कपड़े ले लेता है। और तब किसी भी तरह पास में एक कपड़े का दुकान में जाता है और वहां से अपने लिए कुछ कपड़ा ले लेता है। और तभी तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब वापस जाकर वो कंपनी के वॉशरूम में गया, तभी अपने आप को देख के चौंक गया क्योंकि उसका जो सूट था, ड्रेस था, वो एकदम पार्टी वाला ड्रेस था, जॉब इंटरव्यू वाला एकदम ही नहीं था। तभी उसका जो जुबान है वो जुबान रखने लगा और अपने पैंट पे वो पेशाब कर दिया। तब वो देखता है कि वो जो ड्रग था वो ड्रग पेशाब से निकल गया। और कंपटीशन में जाकर वह कहते हैं कि मुझे पॉलिस्टर के अलावा कोई भी कपड़ा सूट नहीं करता है वगैरह वगैरह। तब इंटरव्यू शुरू होता है। इंटरव्यू में स्कॉट और डेरल दोनों ही समान तरह से वहां पर कम्पीट कर रहा था। तब एक ट्राइवेकर के लिए प्रोफेसर एंगल एक क्वेश्चन करता है, लेकिन वो स्कॉट को नहीं आता था तो स्कॉट उसका आंसर दे नहीं पाता था, लेकिन डेरल उसका आंसर इजीली दे देता है। तब टाइसन उसे जॉब ऑफर करते हैं, मतलब डेरल को। सब लोग खुश आ जाते हैं, लेकिन डेरल कहते हैं कि मैं यहाँ तक चीटिंग करके आया हूँ। सभी जो सच्चाई था, मेडिसिन वाला सच्चाई, सब लोगों को बता देते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली और जो बोर्ड मेंबर सभी को। और सब लोग सुनकर ये शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन टाइसन को इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे जॉब दे देते हैं। एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेरल एक जूनियर एनालिस्ट बन गया था और जेनिस के साथ वो पेयर में खुश थे और फैमिली को अच्छे जगह भी वे लेकर आ गए थे। और इसके बाद ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रखा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।